सड़क पर वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन कई बार लोग सामने से आते हुए ट्रैफिक पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये पुलिस यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए मुस्तैद की गई है। जहां कानून ट्रैफिक पुलिस को ताकत देता है, तो वही आम नागरिकों के भी कुछ अधिकार सुरक्षित करता है। ट्रैफिक चालान और नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले दंड के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपके अधिकारों की बात आपको बताने वाले हैं। यदि सड़क पर वाहन चलाते वक्त आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है, तो मांगे जाने पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण यानी कि PUC सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेकिन इस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म में होनी जरूरी होती है। यदि उन्होंने वर्दी नहीं पहनी होती है, तो आप उनसे पहचान पत्र यानी कि उनकी ID दिखाने के लिए पूछ सकते हैं। यदि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आपको ID कार्ड दिखाने से मना करते हैं, तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने दस्तावेज उन्हें ना दिखाएं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार एक यातायात पुलिस अधिकारी आपसे केवल आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखने के लिए मांग कर सकता है। इसके लिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें हैंडओवर करने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप कोई यातायात नियम तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती है, तो फाइन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई चालान मशीन होना आवश्यक है। इनमें से कुछ भी न होने पर पुलिस आपको दंडित नहीं कर सकती। यदि पुलिस मौके पर चालान काटती है, तो आपकी चालान की रसीद आप उनसे लेना ना भूलें। यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी रसीद नहीं देता है, तो आपको भी चालान अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती है। बिना रसीद के कोई भी लेन देन कानूनी नहीं होता। यदि ट्रैफिक पुलिस आपके किसी दस्तावेज को जब्त करने का निर्णय लेती है, तो उसकी भी रसीद भी मांगे। बिना रसीद के कोई भी डॉक्यूमेंट जब्त नहीं किया जा सकता। बिना आपकी अनुमति के पुलिस आपके वाहन की चाबी आपसे नहीं ले सकती। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि पुलिस ने वाहन चालक के हाथों से या वाहन से चाबी निकाल ली। यदि आप वाहन में बैठे हैं और कार गलत जगह पर खड़ी है, तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को टो करके नहीं उठा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस किसी कथित अपराध के लिए गिरफ्तार करती है, तो उक्त व्यक्ति को सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। इसके बाद पुलिस को अगले 24 घंटे के भीतर आरोपी को कोर्ट में पेश करना होगा। पुलिस द्वारा उत्पीड़न के मामले में आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको पुलिस से बहस करने से बचना चाहिए और उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। ध्यान रखें कि वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। यदि आपसे अनजाने में कोई गलती भी हुई है, तो पुलिस को इसके बारे में आप बता सकते हैं। आपकी बात सुनकर संभव है कि ऐसे में आपको जाने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, BDTV भारत।